अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जब नए मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, अब जो जिस तरह से पार्टी निर्णय लिया था, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, बीजेपी पहले बार बार कहती थी, जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब कहा जाता कि दूल्हा किसी को बनाया गया और बारात में किसी को भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले आपको याद होगा कि बड़े बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में भेजा गया था, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय प्रहलाद पटेल जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं को यहाँ पर भेजा गया था। और ये कयासें लगाई जा रही थी कि मालवा से लोगों को कहा गया था संदेश कि गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे, महाकौशल को लोगों को कहा गया कि माननीय प्रहलाद पटेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे दौर में जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ है वो निश्चित रूप से बीजेपी की परिपाटी के अनुरूप, अगर बीजेपी ने कहा है तो बीजेपी का अपना अधिकार है। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं यूपी और बिहार के चुनाव को फोकस करते हुए ये चयन किया गया है, क्योंकि इनके पास कोई कद्दावर युवा यादव नेता नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी का बहुत बड़ा वहाँ पर है, लगभग 150 सीटों पर ये लोग प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में कार्ड के तौर पर उनको लाया गया, मध्य प्रदेश को हमेशा प्रयोगशाला बनाया गया। और मुझे लगता है कि ये प्रयोग कहीं ना कहीं इसलिए असफल होगा कि जिन नेताओं को काटा गया, अगर उनका समायोजन ठीक से नहीं होता है तो मध्य प्रदेश में एक अस्थिरता पैदा होगी और उसका नुकसान खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा, ना कि बीजेपी। भैया, शिवराज जी को जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री से हटा के मोहन यादव जी को मनाया गया है, तो क्या मानते हैं, अब शिवराज जी बड़ी जिम्मेदारी पे जाएंगे या फिर उन्हें पार्टी से? शिवराज जी जैसे कद्दावर नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिलना चाहिए और मेरे ख्याल से पार्टी उनको देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के वो चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं, वो चेहरे के रूप में वो कहीं ना कहीं स्थापित हो पाएंगे। आप उनकी धूमिलता स्पष्ट रूप से दिख रही है, शिवराज जी भी आप नेपथ्य की ओर जा रहे हैं। ठीक है।